स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। तो दोस्तों अगर आपके पास एमपी ऑनलाइन का क्योस्क अकाउंट है और आप उसे हैंडल करते हैं तो जो लोग नए हैं उनको ये समस्या आती है कि इस अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं वो कैसे ऐड करे जाएं, क्योंकि एमपी ऑनलाइन के क्योस्क अकाउंट में क्या होता है आपको टॉप अप करना पड़ता है तभी आप किसी का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टॉप अप आपको कैसे करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, मैं ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन करी है, आप नॉर्मली एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उपभोक्ता का प्रकार चुनने के लिए बोलेगा। ठीक है, आप यहाँ से प्रकार चुनिए, आप क्योस्क प्रकार है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो आपको एमपी ऑनलाइन के थ्रू मिला होगा जब आपने एमपी ऑनलाइन में रजिस्टर्ड करा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे एमपी ऑनलाइन का जो यूजर नेम है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड भी लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिखाई देगा, आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करना है। जैसे ही आप इतना लिख के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यह जो आपका अकाउंट है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका कियोस्क का आईडी मिल जाएगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको अपने कियोस्क का आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपने कियोस्क की फोटो मिल जाएगी, यहाँ पे जो आपने आखिरी लॉगिन करा होगा वो मिल जाएगा, पंजीकरण की तारीख आपको मिल जाएगी, आपके अकाउंट के अंदर कितनी शेष राशि है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है जिनसे आप मदद ले सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको अपने एमपी ऑनलाइन के अकाउंट का नाम दिख जाएगा, अपडेट प्रोफाइल दिख जाएगा और साइन आउट दिख जाएगा। ठीक है, जब आपको यूज नहीं करना है तो आपको साइन आउट करना है। अब आपको इस अकाउंट में टॉप अप कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे गतिविधियों का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको गतिविधियां के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे कि सेल्फ टॉप अप अगर आप करना चाहते हैं, सेल्फ रिचार्ज की हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, पुराने ट्रांजेक्शन आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, कियोस्क की गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, आपको ग्लोस एंड बोर्ड मिल जाएगा, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे गतिविधियां के अंदर मिल जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेल्फ टॉप अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का विंडो आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तीन यहाँ पे पेमेंट मेथड है, आप वहां से पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सीसी एवेन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मेरे कियोस्क की डिटेल दिख जाएगी और यहाँ पे मुझे अमाउंट डालने के लिए एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, अमाउंट में जितना अमाउंट आपको डालना है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट और सारी डिटेल है वो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैंने उसे हाइड करा हुआ है, आपको ये सारी चीजें अपनी फिलअप करनी है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट फिल करके इसको सबमिट करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझे मर्चेंट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करना रहेगा। अब सीसी एवेन्यू के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपनी यूपीआई डाल दीजिए। ठीक है, तो आप यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू इसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मेरे अकाउंट का एक यूपीआई डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यूपीआई डालने के बाद मेरे उस यूपीआई एप्लीकेशन पे मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके थ्रू मुझे ये ट्रांजेक्शन करना रहेगा। ठीक है, तो आप अपने यूपीआई को डाल के इस ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट कर सकते हैं। आपको यूपीआई आईडी डाल के मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो ब्राउजर है ये आगे की प्रोसेस के लिए लोड होने लग जाएगा, आपको वेट करना है। ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास पेटीएम का एक मैसेज आ गया है। ठीक है, मैंने यहाँ से पेमेंट इनिशिएट कर दिया है, पेटीएम से मेरा पेमेंट हो गया है, अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा पेमेंट जो है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो अमाउंट है वो यहाँ तो आपके एमपी ऑनलाइन अकाउंट में ही आएगा या फिर वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल जाएगी उस पेमेंट की और आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी जाके आप उसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है और जो आपका बैलेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये लोड होने में। तो देखिए दोस्तों, मैंने एमपी ऑनलाइन को दूसरे टैब में खोल लिया है क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था, तो मैंने यहाँ पे दूसरे टैब पे खोल लिया है। यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है वो इंक्रीज होके आ गया है, जितना मैंने यहाँ पे ऐड करा था वो आ गया है। मैं गतिविधियों में जाके मेरा सेल्फ रिचार्ज हिस्ट्री देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो ऐड हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस लिख के आ गया है, ट्रांजेक्शन जो है वो कम्प्लीट हो गया है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी रिसिप्ट अगर जनरेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया है, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कई बार जो रिसिप्ट है वो जनरेट नहीं हो पाती है, तो आप गतिविधियों में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके ट्रांजेक्शन मेरे ट्रांजेक्शन के अंदर जाके भी आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखा देगा, तो आप वहां से सारी चीजें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपकी रिसिप्ट आ गई है, आप चाहें तो आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसे
प्रिंट करके रख सकते हैं। इसका साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसका साइज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसे PDF बना के भी रख लेंगे, ठीक है। इसको आपने PDF बना के अपने पास रख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने MP ऑनलाइन को कैसे रिचार्ज करना है, उसके अंदर आप कैसे अमाउंट को ऐड कर सकते हैं ताकि आप किसी भी फॉर्म को फिल कर सकें। एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स आती है MP ऑनलाइन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम।